हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो में हम देखेंगे आप इजीली घर में हरा धनिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसे उगाने के लिए जो हम कुकिंग में जो सूखा धनिया यूज़ करते हैं, इजीली अवेलेबल रहता है मार्केट में, वही धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक कंप्लीट दाने में आता है, आपको कंप्लीट दाना नहीं उगाना है। अगर आप कंप्लीट दाना ही लाइक लैंड में आप ग्रो करोगे तो उसका सीडलिंग होने का चांसेस बहुत कम होता है और बहुत स्लो होता है। तो मेक श्योर आप इसको प्रॉपरली क्रश कर दीजिएगा, लाइक हॉफ करना है इसको। क्रश करने के लिए आप कुछ भी लाइक हाथ में भी क्रश कर सकते हो, बेलन यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर क्रश करके ही आप सीडलिंग शुरू करने का इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसको लैंड में ही ग्रो कर रहा हूँ, पॉट कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास पॉट एंड फर्टिलाइज़र लाइक नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होता है कंपोस्ट सॉइल, अगर आपके पास वो है तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। लैंड में थोड़ा ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई कर रहा हूँ। तो ये बस दिखाने के लिए एक साइड में मैं डाल रहा हूँ, और भी उधर साइड में मैं डालूँगा और भी। तो इससे लाइक सीडलिंग करने के लिए ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही डाल के लैंड में डाल के थोड़ा उसके ऊपर एक लेयर माटी चढ़ा देना है। अगर आपके पास कुछ फर्टिलाइज़र नेचुरल फर्टिलाइज़र है तो आप वो भी डायरेक्टली लैंड में डाल के उसके ऊपर ही डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा सेकेंड वीक रिज़ल्ट, 12 डे रिज़ल्ट। तो ये छोटे जो पौधे हैं वही धनिया के पौधे हैं, अभी तो प्रॉपरली लाइक सीडलिंग शुरू हो गया है उसका। लाइक इस साइड फुल्ली ग्रो नहीं हुआ, लेट्स सी अदर साइड। तो यहाँ पे लाइक प्रॉपरली सब कुछ जो भी मैंने एक साइड जो धनिया के बीन्स डाले थे सब आ गए, लाइक यही जो छोटे छोटे पौधे हैं। तो मेक श्योर इसको आप प्रॉपर सनलाइट में ही, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट है वहीं पे सीडलिंग करना ज़रूरी है। अगर आप सेमी शेड या शेडेड पार्ट्स में डालेंगे तो बिल्कुल ग्रो नहीं होगा। तो जैसा कि देख सकते हो आफ्टर 20 डेज, तो ये रहा धनिया का मेन लीव्स जिसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है। अब जो भी दाने नीचे दब गए थे वो दानों का भी लाइक सीडलिंग शुरू हो रहा है अब। तो ये रहा प्रॉपर धनिया का लीफ। अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो 40 से 45 डेज़ में कंप्लीट आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। आप धनिया यूज़ भी कर सकते हो, ऐसा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लैंड में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को शायद 2 मंथ्स लगेंगे। तो जैसा कि देख रहे हो आफ्टर 30 डेज़ कुछ कुछ धनिया का ग्रो अभी ठीक से हो गया है, अभी और भी थोड़ा बाकी है अभी। तो ये जैसा कि देख सकते हैं 1 महीने बाद कुछ ऐसा दिखेगा भी ग्रो। तो ये वीडियो में बस इतना ही, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो इसका कैसा रिज़ल्ट रहेगा आफ्टर 2 मंथ्स। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड ट्राई ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।